हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती जायसवाल एंड वी आर डूइंग चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस कर रहे थे हम एक्सरसाइज 7.4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। ठीक है, सो दैट एंगल ए ग्रेटर दैन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर दैन एंगल डी। आप फिगर में देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी सबसे छोटी साइड स्मॉलेस्ट साइड है ए बी एंड लॉन्गेस्ट साइड है सी डी। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए मीन्स ये एंगल ग्रेटर है एंगल सी से एंड एंगल बी इज ग्रेटर दैन एंगल डी। ये दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं ए बी सी एंड ए सी डी। तो आप देखिए, पहले हम देखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में हम देखेंगे ए बी जो है सबसे छोटी साइड है, गिवन है ये क्वेश्चन में। इट मीन्स ए बी स्मॉलर है बी सी से भी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी लेस देन बी सी या ए बी शॉर्टर देन बी सी, बिकॉज ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये गिवन है। तो ये क्या हो गया, इट मीन्स बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब चूंकि ग्रेटर साइड के साइड का अपोजिट एंगल शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल से बड़ा होता है, तो बी सी का अपोजिट एंगल है बी ए सी। ठीक है, और ए बी का अपोजिट एंगल है ए सी बी मीन्स ये एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। ठीक है, हमने ये एंगल और ये एंगल लिख दिया। अब आप इसे एक नंबर दे दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें आगे होगी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी डी लॉन्गेस्ट साइड है ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, ए डी। तो अब देखिए सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये सी ए डी, और ए डी के सामने वाला एंगल हो जाएगा ए सी डी मीन्स ये एंगल। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, बिकॉज सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एंड एंगल अपोजिट टू सी डी इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू ए डी मीन्स ये एंगल ए सी डी। ठीक है, अब आप इसका भी एक नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई एडिंग वन एंड टू हमें क्या मिलता है, वी गेट, हम इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी ग्रेटर है एंगल बी सी ए प्लस एंगल क्या है, ए सी डी, एंगल ए सी डी। ठीक है, अब आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी एंड सी ए डी, मतलब ये पूरा एंगल, क्लियर। और इधर हो जाएगा बी सी ए, बी सी ए और ए सी डी मीन्स ये पूरा एंगल। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप बी डी को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ए बी डी एक ट्रायंगल होगा और बी सी डी एक ट्रायंगल होगा, और उन दोनों ट्रायंगल से हम प्रूफ कर देंगे एंगल बी ग्रेटर देन एंगल
डी, ठीक है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।